रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपने पन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना? एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एक अत्वम भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम, जय सियाराम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक दूसरे समाज में हिंदू महिला को ज्वेलरी के ऐड के नाम पर जिस तरह से तनिष ज्वेलर ने एक हिंदू महिला को लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला ये जो इनका वीडियो देश भर में कई सारे न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पर ये जो वायरल हो रहा है, मैं तनिष ज्वेलर के ओनर्स को और जितनी भी उनकी टीम है उन तमाम भड़वों को कहना चाहता हूं, हिंदू समाज को जिस तरह से तुमने ये टारगेट करने का काम किया है, जल्द से जल्द इस एड को कहीं पर भी आपने दिया है, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल हो या टेलीविजन हो, कहीं पर भी आपने इस एड को दिया है, जल्द से जल्द इसे निकाल दो, अन्यथा मैं नितिन नंदकर उन तमाम भड़वों के ऊपर, चाहे तनिष ज्वेलर के ओनर हो या उस एड में करने वाले तमाम एक्टर्स हो, उन तमाम लोगों के ऊपर मैं केस बुक कर सकता हूं। वैसे भी देश भर में कई सारी हमारी हिंदू महिलाओं की जिंदगी लव जिहाद के नाम पर बर्बाद हो चुकी है और अभी भी बर्बाद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तनिष ज्वेलर का इस तरह का एड आना और लव जिहाद को बढ़ावा देना, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि हिंदू समाज को किस तरह से टारगेट करे, इनकी बच्चियों को किस तरह से बर्बाद करे, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। मैं तमाम मेरी मां और बहन बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह से लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए ये जो भड़वे, ये मादरचोद झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी वादे, सिर्फ दिखावा कर जिनके पास 2 रुपए की औकात नहीं है, 2 कौड़ी के भोसड़ी के पंचर की दुकान पे काम करने वाले ऑटो रिक्शा वाले, एक अच्छी परिवार की पढ़ी लिखी बच्ची, ये अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, परिवार दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बिताने वाली बच्ची को झूठे वादे, झूठे नाम से लेकर झूठी बातों को दर्शाकर उसकी जिंदगी तबाह करते हैं। मैं मेरी माँ और बहन बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स दिखता है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाइए, अपनी माँ बाप, भाई बहन, अपने दोस्तों से राय मशवरा लीजिए कि कोई भी किसी भी तरह से अगर आपको इस तरह से फंसाने का काम कर रहा है, तो उन भड़वों को अगर आप हिंदू माँ बहने अगर अंदर डालेगी तो ये मादरचोद दूसरी बच्चियों की जिंदगी हमारी तबाह नहीं कर सकते। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि लव जिहाद के नाम पर आपको फंसाने की कोशिश कर रहे, तो उन भड़वों को चप्पल निकाल के भरे रोड पर उन मादरचोदों को मारो, उनको भरे बाजार में नंगा करो। हम तमाम भाई आप लोगों के साथ है, लेकिन आपकी जिंदगी अगर बर्बाद होती है तो इसका मतलब यह है हिंदू समाज और आपके माँ बाप भाई परिवार की जिंदगी बर्बाद होती है, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो आपकी जिंदगी का होता है, जिस जिंदगी को आप बड़े तौर से अच्छी तरह से जीना चाहते हैं लेकिन इसी तरह से आप पीछे आते। तो मैं जल्द से जल्द तनिष ज्वेलर के ऐड को, ये रिक्वेस्ट नहीं है, वार्निंग है नितिन नंदकर की, तेरे इस ऐड को जल्द से जल्द निकाल दे, वरना तमाम लोगों के ऊपर मेरी तरफ से केस बुक किया जाएगा। जय हिंद, जय तेलंगाना।